साल 2013 उत्तराखंड के केदारनाथ घाटी में आई एक महाप्रलय, एक आपदा जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इस आपदा में लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों की मौत हुई और कई लोग लापता हो गए। इस प्राकृतिक आपदा के बारे में जिसने भी सुना वो सन रह गया। क्या हुआ था इस आपदा में, क्या थी इसकी पूरी कहानी, क्या हुआ था उस वक्त केदारनाथ घाटी में, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हिमालय की गोद में बसा देव भूमि उत्तराखंड, जहां पर है हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक स्थल चार धामों में से एक केदारनाथ। यहाँ पर हर साल लाखों लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं। उस साल भी हर साल की तरह 14 मई 2013 को बाबा केदारनाथ के कपाट धूमधाम से खोले गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लोग बहुत खुश थे और पूरे महीने यात्रा सुचारू रूप से चलती रही। यात्रा 2013 में मई के कपाट खुलने के बाद चली थी। ठीक एक महीने बाद 15 जून 2013 तीन दिन से जारी बारिश उस दिन भी जारी थी। बारिश इतनी जोरदार थी कि आसपास रहने वाले लोगों ने ऐसी बारिश अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। पर इसके बाद भी बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ घाटी में मौजूद थे। हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे और उन्हें एहसास भी नहीं था कि सिर्फ दो दिन बाद उनका सामना महाप्रलय से होने वाला है। लेकिन समय से दो हफ्ते पहले ही पहुंचने वाले मानसून ने मौसम विभाग को कुछ बड़ी अनहोनी होने का संकेत दे दिया था। अगले दिन 16 जून को भी बारिश का सिलसिला जारी था। मंदाकिनी नदी रुद्र उफान पर बह रही थी। लगातार भारी बारिश से केदारनाथ के ऊपरी इलाकों में जमे ग्लेशियरों पर भी भारी दबाव बढ़ने लगा। केदारनाथ घाटी के चारों तरफ बादल फटने का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिससे केदारनाथ में मौजूद यात्री सहम उठे थे। हर तरफ तनाव का माहौल था। मंदाकिनी का स्रोत केदारनाथ मंदिर के ऊपर मौजूद प्राकृतिक झील चोरावाड़ी, जो कि लबालब भर चुकी थी और भारी दबाव में थी। 16 जून की रात 8:30 बजे एकाएक लैंडस्लाइड हुई, जिससे पूरे केदारनाथ में हाहाकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागने लगे और होटल धर्मशाला के अंदर घुस गए। 16 जून को इतना ज्यादा पानी बरसा कि पूरा पहाड़ हिल उठा। इस दौरान 300 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर के बीच भारी वर्षा हुई। आप इसका अंदाजा यूं लगा सकते हैं कि दिल्ली या पुणे जैसे शहर में किसी एक पूरे साल में करीब 800 मिलीमीटर बारिश होती है, यानी यहां सिर्फ दो या तीन दिन में ही पूरे साल होने वाली बारिश का करीब 60% हिस्सा बरस चुका था। पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो तबाही समझ रहे हैं वो तो महाप्रलय का बस एक छोटा सा भाग था। असली प्रलय तो अगले दिन उनका इंतजार कर रही थी। रात भर लोग डर के मारे घबरा रहे थे। ऐसा मंजर लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। खौफनाक उफान मारती मंदाकिनी मानो पूरे केदारनाथ को डुबाने के लिए आतुर थी। रात को हुई इस घटना में कई लोग बह गए। जो बचे वो बस अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे रहे, पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उनके लिए कितनी भयानक होने वाली है। और फिर 17 जून 2013 की वो काली सुबह, जिसने पूरी केदारनाथ घाटी की तस्वीर को और नक्शे को ही बदल कर रख दिया। लगातार भारी बारिश से चोरावाड़ी झील का एक भाग अचानक तेज आवाज के साथ टूट गया और झील का पानी प्रचंड तूफानी रफ्तार से केदारनाथ की तरफ बढ़ने लगा। पानी का रूप इतना भयानक था कि उसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और लहरों की ऊंचाई 100 फीट से भी ज्यादा थी। लहरें अपने साथ भारी मात्रा में बड़ी बड़ी चट्टाने, मलबा बहाती हुई ला रही थी और जो लहरों के सामने आता उसे मिट्टी में मिला देती थी। झटके में आई इस महाप्रलय ने पूरी केदारनाथ घाटी में त्राही मचा दी। लोग तिनके की तरह बह रहे थे, होटल घर सब साफ हो गए थे और मौत का ऐसा मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई। केदारनाथ शहर के साथ साथ केदारनाथ के नीचे बसे इलाके रामबाड़ा और गौरीकुंड भी पूरी तरीके से साफ हो चुके थे। रामबाड़ा का तो वजूद ही खत्म हो गया था। रामबाड़ा में हजारों की संख्या में यात्री ठहरे हुए थे। अचानक आए इस सैलाब में रामबाड़ा का नामो निशान ही मिटा दिया। सारे होटल घर दुकान जिसमें लोग ठहरे हुए थे अचानक कहां गायब हो गए, किसी को कुछ पता नहीं चला और वहां पे हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आने लगा।
सैलाब की तबाही न केवल केदारनाथ घाटी में हुई बल्कि मंदाकिनी जहां जहां से बहती गई उस पूरे इलाके को तबाह करती हुई आगे बढ़ती गई। सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, श्रीनगर, हर तरफ बड़ी मात्रा में तबाही हुई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ, बस सब लोगों में हाहाकार मच गई। बड़ी बड़ी गाड़ियां, कारें तिनकों की तरह बह रही थी, पहाड़ गिर रहे थे, सड़कें गायब हो चुकी थी, मकान, होटल सबको मंदाग्नि निगलने के लिए आतुर थी। केदारनाथ से 220 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में भी गंगा अपना रौद्र रूप ले चुकी थी। ऋषिकेश में गंगा मानो अपनी हर सीमा तोड़ने को आमादा थी। रौद्र तूफान लक्ष्मण झूला को छूने की कोशिश करने लगा। गंगा का इतना भयानक रूप किसी ने आज से पहले नहीं देखा था और लोग उस रूप को देखकर सहम उठे। हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों लापता हो गए, हजारों बेघर हो गए। लोग उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा झेल रहे थे। हर तरफ मातम, तबाही के निशान, बर्बादी की कहानी बिखरी हुई थी। सरकार और प्रशासन तक खबर पहुंच चुकी थी कि कुछ बुरा हुआ है, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि तबाही इतनी ज्यादा भयानक थी। 18 तारीख को एक हेलीकॉप्टर इस घटना का जायजा लेने के लिए केदार घाटी पर उड़ा। उन्होंने जब नीचे की हालत देखी तो उनकी आंखें फटी रह गई। गोरी कुंड और रामबाड़ा का वजूद ही समाप्त हो चुका था। केदारनाथ शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। पायलट ने फौरन उसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। राहत बचाव के कार्य के लिए तुरंत आर्मी और एयरफोर्स की मदद ली गई और फिर शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसे आर्मी ने नाम दिया ऑपरेशन सूर्य हो। देश के जाबाज जवानों ने दिन रात एक करते हुए हफ्ते भर में पूरी जान लगा दी। लगातार हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा था। जगह जगह से लोगों को बचाया जा रहा था। इस पूरे रेस्क्यू में सेना ने 110,000 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया था। मौसम और रास्ते की कठिनाई के बावजूद भी सेना ने अपने ऑपरेशन सूर्य हो को पूरा करके ही दम लिया। दोस्तों, इतनी बड़ी आपदा आई, फिर भी महादेव का मंदिर और शिवलिंग को कुछ भी नहीं हुआ। आखिर महाकाल का तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये आपदा तो महादेव के लिए बहुत छोटी सी चीज थी। उस दिन इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा में भी महादेव ने अपना चमत्कार दिखाया और चमत्कार से मंदिर और शिवलिंग को बचा लिया। रेस्क्यू किए गए लोगों ने बताया कि 16 जून को जब सैलाब आया तो मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ लगभग 100 की स्पीड से एक विशालकाय डमरूनुमा चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही थी, लेकिन अचानक वो चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर रुक गई। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने रोक दिया हो। उस चट्टान के कारण बाढ़ का तेज पानी दो भागों में कट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। उस वक्त उस मंदिर में 300 से 500 लोग शरण लिए हुए थे। उन लोगों के अनुसार वो चट्टान मंदिर की ओर आते देखकर उन लोगों की रूह कांप गई थी। उन्होंने केदारनाथ बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन बाबा का चमत्कार कि उस चट्टान ने मंदिर और उसके अंदर शरण लेने वाले लोगों को बचा लिया। वो शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास है। आज इस शिला को भीम शिला कहते हैं और लोग इस शिला की भी पूजा करने लगे हैं। अब उस आपदा को बीते 9 साल हो चुके हैं। केदारनाथ फिर से सुंदर और सुरक्षित रूप में खड़ा हो चुका है। उस आपदा से इंसान को ये सीख भी मिलती है कि वो कुदरत को अपने स्वार्थ में बांधने की कतई भी कोशिश ना करे। मंदाकिनी पर अंधाधुंध अतिक्रमण 2013 में हुई तबाही का बड़ा कारण बना था। मंदिर पूरी तरीके से मकानों और दुकानों के अतिक्रमण से ढक चुका था। आज मंदिर को 2-3 किलोमीटर दूर से साफ देखा जा सकता है। हमें समझना होगा कि प्राकृतिक से हद से ज्यादा छेड़छाड़ अंत में इंसान की ही तबाही का कारण बनती है, क्योंकि प्रकृति इंसान से हर हिसाब को अंत में पूरा कर लेती है। तो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास करना ही इंसान का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ की 2013 की आपदा की पूरी कहानी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय महाकाल।